ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा इसराइल अपनी मुसीबत बढ़ा रहा है, क्योंकि ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। यही वजह है कि इस विकराल होते युद्ध के खिलाफ कई देश हैं, ताकि वैश्विक शांति बनी रहे। अब तक अमेरिका अपना साथ इसराइल को दे रहा है, लेकिन अब यूएस भी इस जंग को रोकना चाहता है और इसराइल जिस ताव में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उसके जवाब में ईरान चुप नहीं बैठेगा। इस बात से अवगत अमेरिका इसराइल को रोकना चाहता है और एकमात्र अमेरिका ही है जो इसराइल को काबू में कर पाएगा, क्योंकि इसराइल को युद्ध में आर्थिक तौर पर और हथियारों से बड़ी मदद अमेरिका पहुंचा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएस और इसराइल के बीच बिगड़ते रिश्ते इजरायली नेसेट में एक विधेयक के पारित होने के साथ ही निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी कि UNRWA के लिए गाजा और वेस्ट बैंक में काम करना लगभग असंभव हो जाएगा। अब बात करते हैं UNRWA है क्या। फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज के लिए काम कर रहे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर एजेंसी लंबे समय से इसराइल का लक्ष्य रहा। उसके दावों से पहले कि समूह के कर्मचारी के 12 सदस्यों ने 7 अक्टूबर के हमलों में भाग लिया था, लेकिन एजेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का कदम एक ध्रुवीकरण का संकेत देता है, जिसे उलटने में कई साल लग सकते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी के संयुक्त राष्ट्र और उसके द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्थानों के प्रति बड़े पैमाने पर अवमानना के परिणाम लंबे समय तक चलने वाले और गहरे होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व रक्षा मंत्री बेनी ने UNRWA पर कहा, खुद को हमास के तंत्र का एक अभिविभाज्य घटक बनाने के लिए चुनने का आरोप लगाया और अब समय आ गया कि हम खुद को इससे पूरी तरह से अलग कर ले। अपने उद्देश्य को पूरा करने और सुधार करने के बजाय शरणार्थियों के जीवन में UNRWA इसके विपरीत कार्य करता है और उनके उत्पीड़न को कायम रखता है। पश्चिम को UNRWA की तटस्थता निकाय के रूप में देखता है। यदि नेसेट संगठन को बंद करने में सफल हो जाता है तो गाजा और वेस्ट बैंक में 2.4 मिलियन लोगों को सहायता कैसे दी जाए, ये गंभीर सवाल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।